72 हूरे हकीकत से कितनी दूर, ये सवाल, ये थ्योरी आज से नहीं बहुत पहले से चर्चा में है। कहा जाता है कि बहुत से आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों के सपने दिखाकर आत्मघाती बना दिया जाता है। लेकिन ये सवाल हम आज दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 72 हूरे नाम की एक फिल्म आने वाली है। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है। और दूसरा पक्ष जो इसे सच्चाई मान रहा है, जो ये कह रहा है कि इस फिल्म से आतंकवादियों के जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लेकिन हमारी आज की जो बहस है वो फिल्म पर नहीं है, हिंदू मुसलमान पर भी नहीं है। बहस इस बात पर है कि क्या 72 हूरों की थ्योरी वाकई सच्ची है। अगर सच्ची है तो क्या आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल वाकई किया जाता है? आज टीवी 9 के इस हाईटेक स्टूडियो में दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। एक तरफ इस्लाम के जानकार हैं जो आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन 72 हूरों का पक्ष लेते हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो इस्लाम को मानता है लेकिन 72 हूरों को हकीकत नहीं मानता। इसके बारे में बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ये उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे इस ओर जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक थिंकर हैं। और इस तरफ सुबुई खान हैं, वकील हैं, इसके अलावा अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और फैज साहब हैं, कई मामलों में खासतौर से मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन उनको मैं देखता और सुनता रहता हूँ। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है 72 हूरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना सुमेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हूरे होती क्या हैं तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। कर सकते हैं इतनी जल्दी आप चलो आप बता दो, आना चाहते हैं इनसे पूछ लो, बताइए इनसे पूछ लो, कोई नहीं। पहली बात तो अभी आपने जो कहा है कि एक पक्ष है जो 72 हूरों का फेवरर है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि 72 हूरों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है जो बाज लोगों ने अपने तरफ से कहीं से गढ़ रखा है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल सही 72 हूरों का शब्द ये आपने दिया है, ये हमारे कुरान में कहीं है ही नहीं, कुरान में नहीं है। एक चीज, इस्लाम में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है बेटा। और जुनैद हारिस साहब, ये 72 हूरों का आप ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, 72 संख्या का नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र। हम आपको अभी सुनवाएंगे कि हूरों के बारे में क्या बताया जाता है। साजिद रशीदी साहब का पक्ष ले लें, वो भी पूरी बात पे भी आएंगे सर, पहले एक बात तो समझ लें। 72 का मैंने पहले साजिद रशीदी साहब से तो पूछ रहे थे, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बनाया गया है। देखिए सारी चीज का है, 72 का नहीं, 72 हूरे, ये जो संख्या है 72 हूरे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीजें कुरान में नहीं है, कुरान में मुख्तसर तौर पर बहुत सारी चीजों को बयान किया गया है, जैसे नमाज का जिक्र है। अब नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन से वक्त में कितनी पढ़ी जाएंगी, ये सारी हदीस से हमें मिलती हैं। रोजे का जिक्र है, रोजे का पूरा बयान फिर हदीस से हमें मिलता है। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को समझा देती हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है 72 हूर का जिक्र कुरान में नहीं है ना। सुनिए सर, मुद्दे पे आइए ना, मैं मुद्दे पे ही तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे। जुनैद हारिस साहब ने कहा सही कहा या गलत, ये बता दीजिए पहले, हाँ ना में, फिर आप एक्सप्लेन। मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, कोई सही गलत कहे, मैं तो अपनी बात रखूंगा, मैं ना आपकी बात रखूंगा ना इनकी रखूंगा, मैं अपनी रखूंगा। जो मैंने पढ़ा है 10 साल में, मौलवियत का 10 साल का कोर्स होता है, उसमें जो पढ़ाया जाता है कुरान के बाद में हदीस उसकी तफसीर है। हदीस में बहुत सारी जगहों पर हूरों को तफसील के साथ जिक्र किया है, और कुरान में भी सूरह रहमान में और कई जगहों पर हूरों का तफसील के साथ जिक्र है। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए है या सबको इसको मानना चाहिए, ये मेरी आस्था है, मुसलमान की आस्था है कि जन्नत है, जन्नत में जो अच्छे लोग हैं अच्छे कर्म करके जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं बुरे कर्म करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, संख्या पे तसव्वुर हमें संख्या छोड़ देते हैं, ये बताइए हूर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैसे मिलती हैं हूरें? अरे भाई पूछ और पहले कैसे मिलती है बता दीजिएगा, फिर कैसे होती है ये बता दीजिएगा, किस तरीके की बताइए साजिद साहब। साहब थोड़ा सा सब्र रख लीजिए जी, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा इन्हीं से, बताइए साजिद साहब की बात है, सवाल मुझसे घुस आप जाते हैं, बताइए जी। देखिए कुरान में है हूर नाइन, साफ लफ्ज है, और बहुत सारी जगहों पर हूरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा उसे जन्नत मिलेगी,
जो ईमान की हालत से मैं दुनिया से नहीं जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये मेरी आस्था है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे कुरान में अल्लाह के फरमान में उसका जिक्र है। ईमान उसके लिए शर्त है, ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। उपनिषदों में इसका जिक्र है, उस महावर्ण दूसरा मिलता है। हम हूर का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। हाँ, हूर का ही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जन्नत में वही तो मिलेगा, हूर ओ गिलमान।